हाय गाइस, दिस इज आरके एंड यू आर वाचिंग आरकेडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये है एलआरएल मोटर का एक बक्सा और इस बक्से के अंदर है एक बहुत ही जबरदस्त मास्टर सिलेंडर जिसको मैं मेरी ड्यूक 250 के मास्टर सिलेंडर के साथ रिप्लेस करने वाला हूं। तो इसके अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी थी, तो आपको दिखा देता हूं यहां पे टंटनान। तो आप देख सकते हैं ये है आरसीबी का रेडियल मास्टर सिलेंडर। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं गाइस इसको मेरी केटीएम ड्यूक 250 पर इंस्टॉल करने के लिए। तो क्या करते हैं, जल्दी से पटक से यहां से मेरे मैकेनिक के पास जाते हैं और इसको जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज, ये जो मास्टर सिलेंडर आप देख रहे हैं ये एक एक्सेल मास्टर सिलेंडर है जो कि ड्यूक 250 के साथ कंपनी से आता है और अक्सर बिलो 400 सीसी के जितने भी बाइक्स होते हैं उनमें इसी तरीके के मास्टर सिलेंडर को कंपनी प्रोवाइड करती है। गाइज, मुझे गलत मत समझना, ये मास्टर सिलेंडर काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक मैं कहूँगा, लेकिन सुपर बाइक्स में आपने नोटिस किया रहेगा रेडियल मास्टर सिलेंडर कंपनी से आते हैं। तो उसी तरीके से आज हम एक आफ्टर मार्केट आरसीबी रेडियल मास्टर सिलेंडर को हमारी ड्यूक 250 पे इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसके बॉक्स पर आरसीबी लिखा हुआ है, इसका मतलब रॉयल चैलेंज बेंगलुरु नहीं है गाइज, इसका मतलब है रेसिंग बॉय कॉरपोरेशन जो कि इस कंपनी का नाम है। और इस मास्टर सिलेंडर का प्राइस है 8885 रुपीज़, मतलब 8885 रुपये में ये मास्टर सिलेंडर आपको मिल जाएगा। तो अब हम इस रेड बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, तो ये है आरसीबी S1 रेडियल मास्टर सिलेंडर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्मूथ है। आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से प्रेस कर रहा हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्लैंप आता है और क्लैंप पर फिक्स करने के लिए एक फ्लूइड टैंक आती है और एक बेंजो बोल्ट इसके साथ आता है और कुछ वॉशर्स आते हैं और एक एक्स्ट्रा बेंजो बोल्ट इसके साथ आता है ब्रेक लाइट केबल के साथ। तो सबसे पहले हम इन सबको असेंबल करते हैं, तो असेंबल करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हम हमारे पुराने वाले मास्टर सिलेंडर को बाइक से निकाल रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम इसकी फ्लूइड टैंक को ओपन करके इसमें जितना भी फ्लूइड है उसको एक इंजेक्शन की मदद से सारा का सारा चूस लेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो ब्रेक फ्लूइड है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है गाइस, अगर ये ब्रेक फ्लूइड आपके बाइक की पेंट पर गिरा तो आपका बाइक का पेंट ख़राब हो सकता है। सो इसकी वजह से हम इस सारे के सारे फ्लूइड को आप देख सकते हैं इंजेक्शन में हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मास्टर सिलेंडर के सारे नट खोल के इसको रिमूव कर देंगे। तो पुराने वाले स्टॉक मास्टर सिलेंडर को हमने इजीली और सेफली रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें फिक्स करने वाले हैं आरसीबी रेडियल मास्टर सिलेंडर को। तो सबसे पहले हम इस रेडियल मास्टर सिलेंडर को बाइक के हैंडल पर फिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको बाइक के हैंडल पर फिक्स कर दिया है। अब स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स को हम बेंजो बोल्ट और वॉशर्स की मदद से फिक्स कर रहे हैं जो कि इस रेडियल मास्टर सिलेंडर के साथ ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको किस तरीके से यहाँ पे कस के फिक्स कर दिया है। तो अब टाइम है इस मास्टर सिलेंडर की फ्लूइड टैंक में ब्रेक फ्लूइड ऑयल को डालने का। तो यहां पे मैं लिक्विमोली .4 ब्रेक फ्लूइड ऑयल को यूज कर रहा हूं। अब हम इसकी टैंक में .4 ब्रेक फ्लूइड ऑयल को डाल रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इस रेडियल मास्टर सिलेंडर का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों, प्रेशर जनरेट करने के लिए ब्रेक लाइंस और ब्रेक पंप के एयर बबल्स को हमें निकालना होगा। तो एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए इस रेडियल मास्टर सिलेंडर में एक स्क्रू दिया है जिसको हम थोड़ा सा लूज करके एयर बबल बाहर निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे एयर बबल्स बाहर आ रहे हैं। तो सारे के सारे बबल्स अब धीरे धीरे बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर भी अच्छा खासा अब जनरेट हो चुका है। तो अब हम इसके टैंक को फिर से थोड़ा सा फ्लूइड डालेंगे इसके टैंक में, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो भी फ्लूइड था वो ब्रेक लाइंस और इसके पिस्टन में चले गए, तो यहाँ पर टैंक खाली दिख रही है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा .4 ब्रेक फ्लूइड ऑयल यहाँ पर इसके टैंक में डाल रहे हैं और इसकी रबर की सील को रख के इसके टैंक को अब यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। अब बस एक ही काम बच गया है गाइस, आप देख सकते हैं हम अपनी बाइक के ब्रेक स्विच को इस रेडियल मास्टर सिलेंडर के ब्रेक स्विच के साथ जोड़ रहे हैं। तो डन हो गया जी, यहाँ पे हमारा रेडियल मास्टर सिलेंडर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। और आप देख सकते हैं हमारी बाइक की ब्रेक लाइट भी यहाँ पे ब्रेक दबाने पर चमक रही है। तो मास्टर सिलेंडर भी इंस्टॉल हो गया, वायरिंग का काम भी कम्प्लीट हो गया। तो चलिए सीधे यहाँ से चलते हैं, इस रेडियल मास्टर सिलेंडर को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। We'll be right back.
फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने इस RCB के रेडियल मास्टर सिलेंडर जो कि 17 mm का मैंने मेरी बाइक पे लगवाया है, इसकी मैंने अभी टेस्टिंग कर दी। काफ़ी बढ़िया मुझे ये प्रोडक्ट लगा, ये मास्टर सिलेंडर लगा। और इसको लगाने के बाद बाइक का जो परफॉर्मेंस है ब्रेक का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा शार्प हो चुकी है। बाकी बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, जो कि आपकी बाइक को एक प्रॉपर स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। वैसे ये जो मास्टर सिलेंडर है, ये 17 mm का मास्टर सिलेंडर है, जो कि 250cc और उसके ऊपर के जितने भी बाइक्स होते हैं उनके लिए सूटेबल है। जैसे हो गया अपाचे RR310, BMW GS310, G310, ड्यूक 390, RC390, इन जैसे बाइक्स के लिए ये 17 mm का मास्टर सिलेंडर परफेक्टली फिट होगा। और जो भी बाइक्स 250cc के नीचे आते हैं, जैसे हो गया पल्सर 200, NS, ड्यूक 200, अपाचे 180, अपाचे 200 या फिर पल्सर 150, उनके लिए 14 mm का RCB का रेडियल मास्टर सिलेंडर बेस्ट रहेगा। तो गाइस, आप बात करते हैं इस मास्टर सिलेंडर के कुछ फीचर्स की जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। आप सभी जानते हैं हाथ में 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है, वैसे ही हर राइडर्स का हाथ एक समान नहीं होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है तो किसी का हाथ छोटा होता है। तो उसको यहाँ पे प्रॉपर कंफर्टेबल ब्रेकिंग देने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक स्क्रू दे रखा है, जिसको अगर हम लूज या फिर टाइट करेंगे तो इसका लीवर नज़दीक या फिर दूर जाएगा। तो ये मतलब प्रॉपर राइडर अपने हिसाब से ब्रेक को एडजस्ट कर पाएगा, तो ये फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और दूसरा फीचर इसमें ये है कि ये जो इसका लीवर है, ये फोल्डेबल लीवर है। फोल्डेबल लीवर मतलब अगर आपकी बाइक अगर गिरती भी है तो ये लीवर टूटेगा नहीं, ये बस फोल्ड हो जाएगा, वापस से आप इसको अनफोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है इस रेडियल मास्टर सिलेंडर के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप जाओ वहाँ पर अपने सवाल भर भर के डाल दो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पर कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।